हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों को हुस्नुस पुनीत। और ये माइक्रोफोन ना केवल 2500 रुपए की प्राइस रेंज में आता है और ये एक वायरलेस माइक्रोफोन है जो कि कंटेंट क्रिएशन के हर पर्पस को सॉल्व कर देगा। अगर आप स्पेशली मोबाइल फोन से वीडियो शूट करते हो और अपने लिए एक ऐसा माइक्रोफोन देख रहे हो जो आपके पर्पस को सॉल्व करे, तो ये डिजिटेक का ऑल न्यू बिल्कुल नया माइक्रोफोन जस्ट अभी फ्रेश लॉन्च किया डिजिटेक ने, इसका नाम है DWM112। और ये माइक्रोफोन ना एक चार्जिंग केस के साथ में आता है। इसमें ड्यूल ट्रांसमीटर्स आपको देखने को मिलते हैं और कमाल की बात यह है कि 2500 रुपए के रेंज के अंदर आने वाला ये इकलौता ऐसा माइक होगा जिसके अंदर हमें नॉइस कैंसलेशन भी देखने को मिलता है। तो ओपन करते हैं सबसे पहले इस माइक को। इस टाइप से येल्लो उसका बॉक्स देखने को मिलेगा और जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें यूजर मैनुअल मिल जाती है सारी आपको। आप देख सकते हैं यूजर मैनुअल है। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा डिजिटेक का माइक्रोफोन का बॉक्स देखने को मिलता है। ये रहा माइक्रोफोन का बॉक्स और उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी एक्सेसरी किट देखने को मिल जाती है। तो एक्सेसरी किट के अंदर हमें जो है वो पाउच देखने को मिलता है ये रहा, जिसमें आप बेसिकली अपने माइक को कैरी कर सकोगे। और इसकी कुछ विंड शील्ड्स देखने को मिल जाती हैं और इसके साथ साथ में इसकी एक चार्जिंग केबल मिल जाती है टाइप सी वाली और एक कनेक्टर मिल जाता है हमें USB टाइप सी से लाइटनिंग वाला। मतलब अगर आपके पास में आईफोन है जो कि 14 वाली जनरेशन वाला आईफोन है, 13 वाली है, 12 वाली है, तो आप लाइटनिंग कनेक्टर लगा करके और इस माइक्रोफोन को अपने आईफोन में भी कनेक्ट कर सकते हो। सो ये जो माइक्रोफोन है ना वो बाय डिफॉल्ट टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, ठीक है। और इसमें कनेक्टर ये लगा करके आप सीधे इसे अपने मोबाइल से आईफोन हो या फिर एक एंड्रॉयड डिवाइस हो उसके साथ में पेयर कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। ये माइक्रोफोन की जो रेंज है ना वो भी कमाल की है। ये 2.4 GHz की बैंडविड्थ वाले नेटवर्क में हमें देखने को मिलता है और इसी वजह से इसकी 50 मीटर की हमें रेंज देखने को मिलती है। और इवन अगर आपकी लाइन ऑफ साइट मिस भी हो जाए तो भी आपकी ऑडियो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाती है। इस माइक्रोफोन की जो बैटरी लाइफ है ना वो कमाल की है। आप गैस करो कितनी होगी। तो ये 8 से 9 घंटे ये माइक्रोफोन चल जाता है विद सिंगल चार्ज। और ये जो चार्जिंग केस है ना ये भी उसे चार्ज करता रहता है कंटिन्यूसली। इस चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए नीचे की तरफ एक टाइप सी पोर्ट मिलता है और चार्जिंग केस की क्वालिटी डिसेंट लगती है पूरी, मतलब थोड़ी प्लास्टिक की सॉर्ट ऑफ है। तो इस प्राइस रेंज में आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल एक डिसेंट क्वालिटी मिलती है। सेम यहाँ पे हमें 2 ट्रांसमीटर्स मिल जाते हैं और दोनों ही ट्रांसमीटर की क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट और अच्छी हमें देखने को मिलती है। और साथ साथ में यहाँ पे आगे की तरफ एक कैप्सूल देखने को मिलता है ट्रांसमीटर्स पे, जिसपे एक अच्छी क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्ड कर पाता है ये। इसमें नॉइस कैंसिलेशन मिलता है और इस तरीके से आप जो ये विंडशील्ड है, ये विंडशील्ड इसे हम डेड कैट भी बोलते हैं या विंडशील्ड भी बोलते हैं, इस तरीके से आप इसे टक इन कर सकते हो अपने माइक के ऊपर, ताकि बाहर आउटडोर में जितना भी जो साउंड आता है ना विंड का वो सारा का सारा कैंसिल हो पाए। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। इसके ऊपर फिर आप अपना ये जो माइक है वो टक इन कर सकते हो और फिर आप इसे इस तरीके से कॉलर पे लगा सकते हो ताकि आप अच्छी क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड कर सको। इस माइक में मैग्नेट वाला फीचर नहीं मिलता है, क्लिप वाला फीचर मिलता है। और इस माइक पे मल्टीपल पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, बाय द वे, अगर आपने चार्जिंग केस कैरी नहीं किया है तो इन सभी ट्रांसमीटर रिसीवर्स पे टाइप सी पोर्ट मिलता है जिसके थ्रू आप इन्हें चार्ज कर सकते हो। और ट्रांसमीटर्स को ही चार्ज करना होता है, रिसीवर चार्ज नहीं होता, क्योंकि रिसीवर आपके एंड्रॉइड फोन से या एप्पल डिवाइस से ऑटोमेटिकली पावर को ले लेता है और चालू हो जाता है, जिसकी वजह से ना बहुत ईजी हो जाता है इन माइक्रोफोन्स को यूज करना। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ बजट में मैं ये बोलूंगा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आप डेफिनेटली इस माइक्रोफोन को चेकआउट करना, लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। 2500 रुपए में आपको आई थिंक इससे अच्छा कोई माइक्रोफोन मार्केट में तो नहीं देखने को मिलेगा, इतने सारे फीचर्स के साथ में आता ही है। और इंडिया में जो कंटेंट क्रिएशन मार्केट है वो ग्रो हो रही है, तो ऐसे माइक्रोफोन्स की एक्चुअली में बिगिनर कंटेंट क्रिएटर्स को नीड है। मुझे याद है जब मैं कंटेंट क्रिएशन का स्टार्ट किया था कंटेंट करना, तब एक 800 रुपए का बोया का ही माइक्रोफोन आया करता था। इसके अलावा सारे माइक्रोफोन 20 से 25 हज़ार रुपये की रेंज में देखने को मिलते थे। बट अब क्रिएटर्स के पास में बहुत सारे ऐसे अफोर्डेबल ऑप्शन हैं ताकि वो अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी इजीली स्टार्ट कर पाए और अच्छी क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड कर पाए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।